हाय वीवर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जायका इंडिया का पर। आज हम बनाने वाले हैं शाही पनीर, वो भी बिल्कुल शाही तरीके से। इसे बनाना बहुत ही आसान है, इसी के साथ ये बहुत ही लजीज बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। शाही पनीर बनाने के लिए हमने यहाँ पर ली है 500 ग्राम पनीर। पनीर को हमने मीडियम साइज़ के क्यूब्स में कट कर लिया है। इसी के साथ हमने यहाँ पर लिया है 2 कप दूध, 1 कप दही और आधा कप मलाई। मलाई की जगह आप फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ हमने यहाँ पर लिया है प्याज, काजू और हरी मिर्च का पेस्ट। इसमें हमने 4 मीडियम साइज़ की प्याज, 30 से 35 काजू और 5 छोटी हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। 4 मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट, 1 टीस्पून चीनी यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शनल है, 1 टीस्पून गरम मसाला, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून जीरा, 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। और खड़े मसालों में हमने यहाँ पर लिए हैं 3 तेज़पत्ते, 2 दालचीनी, 4 इलायची, 5 लौंग और 20 काली मिर्च। यहाँ पर हमने कढ़ाई में 1 कप घी लिया है, आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी गर्म होने के बाद हम इसमें सारे खड़े मसाले ऐड करेंगे। इसी के साथ हम इसमें जीरा भी ऐड कर देंगे और तकरीबन 5 से 10 सेकेंड के बाद हम इसमें प्याज, काजू और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। और इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे ताकि हमारे काजू जो है वो नीचे चिपक ना जाए। यहाँ पर हमारे पेस्ट को भूनते हुए 5 से 7 मिनट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर भी चेंज होने लगा है। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे भी लगातार चलाते हुए पकाएंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। 2 से 3 मिनट के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर और इन सबको मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट और इन मसालों को तब तक भूनेंगे जब तक टमाटर का पानी सूख ना जाए। यहाँ पर मसालों में से तेल अलग होने लगा है। अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे दही। इसी के साथ हम इसमें मलाई भी ऐड कर देंगे। आप मलाई की जगह फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। चीनी यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शनल है और इन सबको मिक्स करेंगे और 5 से 7 मिनट तक इन मसालों को लो फ्लेम पर पकने देंगे। अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे और पनीर को मसालों के साथ 5 मिनट तक पकने देंगे। यहाँ पर हमने पनीर को फ्राई नहीं किया है क्योंकि शाही पनीर में पनीर को फ्राई नहीं किया जाता। अब हम इसमें दूध ऐड कर देंगे और इसे लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पर पकाएंगे ताकि हमारा दूध फट ना जाए। यहाँ पर ध्यान रहे कि हमें इसे लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पर पकाना है जब तक दूध में उबाल ना आ जाए। अब देख सकते हैं कि इसमें उबाल आने लगा है। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसे ढक कर 10 मिनट तक पकने देंगे। अब हम शाही पनीर को चेक कर लेते हैं। जी हाँ, ये बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे हरे धनिए से गार्निश करेंगे। इसी के साथ ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो लीजिए, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है हमारी शाही पनीर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि शाही पनीर बनाने का ये शाही तरीका आपको कैसा लगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।